शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपुर में इस टाइम 900 बेड चालू हैं और 900 बेड होने की वजह से हमारे डॉक्टरों को और हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इसके पहले यहाँ पर 510 बेड थे, फिर वो 600 हुए, 700, 800, 900 बेड हो गए हैं अभी। और 900 होने की वजह से इस शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय पे काफ़ी ज़्यादा भार आ गया है। आजकल काफ़ी सीरियस पेशेंट जिनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 50%, 60%, 70% के ज़्यादा से ज़्यादा मरीज यहाँ पर आ रहे हैं और शुरुआत में ये लोग अपने घरों पर इलाज करते हुए सीरियस हो जाते हैं और सीरियस अवस्था में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय में आते हैं, जिससे कि उनके ऑक्सीजन लेने में काफ़ी तकलीफ़ होती है व उनके इलाज में भी काफ़ी तकलीफ होने लगी है। सर, ऐसे में ऑक्सीजन कितना मिल रहा है? हमारे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है और ऑक्सीजन की हमारे यहाँ कोई भी कमतरता नहीं है। सर, ऐसे में कुछ कमजोर भी लोगों की, क्या यहाँ के कुछ डॉक्टर जो प्राइवेट में काम किए जा रहे हैं उनको भी टाइम दे रहे, क्या कहेंगे? यहाँ के कोई डॉक्टर प्राइवेट में काम नहीं कर रहे हैं, न किसी शासकीय समय में या शासकीय समय के बाद भी कहीं भी प्राइवेट में हमारे डॉक्टर्स लोग वहाँ नहीं जा रहे। सर, मेन आप प्रभारी हो यहाँ के और मेन टीम 4 महीने से नहीं है, तो कुछ ऐसी मुश्किलें तो सामने आ रही है। मैं प्रभारी अतिरिक्त कार्यभार के तहत यहाँ पर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय में पिछले 2 महीने से कार्यरत हूँ और मैंने भी यहाँ पर काफ़ी समय से पिछले 23 वर्षों से इस अस्पताल से मैं काफ़ी जानकारी है और आजकल इस समय में भी अभी कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है, सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। क्या लगता है प्रशासन ने, महाराष्ट्र सरकार ने, गवर्नमेंट ने यहाँ पे डीन का पद नियुक्त किया जाना चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है? इस बारे में मेरा कोई भी शब्द मैं नहीं बता सकता, ये शासन के द्वारा नियुक्ति जो मेरी तात्पूर्ति स्वरूपात की है एडिशनल चार्ज का, ये भी शासन द्वारा मंजूरी के बाद ही प्राप्त हुई है। सर, ऐसा भी है कि अपने जो योग का जो कुछ ऑफिस यहाँ पे आया हुआ है और कुछ डॉक्टर्स को यहाँ पे प्रेजेंट भी करने के लिए आना पड़ता है, कहाँ तक की है? योग का ऑफिस यहाँ पर इसलिए लाया गया कि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय में 2 विभाग है, एक हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज। हॉस्पिटल को यहाँ पर लाने के लिए, संचालन को बराबर रखने के लिए, हॉस्पिटल के बिल और सारा नियम बराबर रखने के लिए यहाँ पर लाना बहुत अति आवश्यक था। तो ऑफिस खाली हो गया तो उसमें क्या किया? वो आगे सेशन के द्वारा पता चलेगा क्या करने का है। आप लोगों को क्या संदेश? कोरोना में आपको सबसे पहले डिस्टेंसिंग करना, जैसे अगर आपको बुखार और खांसी आती है तो आपको अपना इलाज करना, अगर आप घर पे इलाज नहीं कर सकते तो आपको शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में आकर यहाँ पर जो भी इलाज संभव है और जो भी इलाज हो सकता है उसका फ़ायदा लेने के लिए मैं आम जनता को रिक्वेस्ट करता हूँ।